इस ऑफमाइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी चौरसिया। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। देश और दुनिया में फैला राजयोग का संदेश, लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सम्मानित। समाज में लोगों के जीवन में योग की जागृति के लिए दिया सम्मान। ज्ञान सरोवर में समाज सेवियों का जमावड़ा, निस्वार्थ सेवा कर लोगों में मूल्यों का करे संचार, समाज सेवियों का आह्वान। ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रोमा सेंटर में आईसीयू के नए वार्ड का उद्घाटन, दादी जानकी ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को मिलेगा त्वरित उपचार। लुधियाना के विश्व शांति सदन में व्यस्त लोगों के लिए सहज जीवन विषय पर कार्यशाला, लोगों का उमड़ा सैलाब, राजयोग सीखकर स्वस्थ रहने की अपील। कर्नाटक के सिंदगी सेवा केंद्र की रजत जयंती समारोह, जल संसाधन मंत्री ने किया उद्घाटन, कहा राजयोग से मिलेगी लोगों को नई जिंदगी। अहमदाबाद के महादेव नगर में लाइफ स्किल्स एजुकेशन रेसिडेंशियल कैंप का आयोजन, जीवन उत्कृष्टता के लिए सीखे राजयोग। और देश भर में संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम, हजारों लोगों ने योग के साथ किया राजयोग, जीवन में सकारात्मक बदलाव में मदद करेगा योग। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ब्रह्म कुमारी संस्थान ने पूरे विश्व में कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को योग के साथ राजयोग करने का संदेश दिया। ब्रह्म कुमारी संस्थान ने पिछले 79 वर्षों से भारत सहित दुनिया के 140 देशों में राजयोग के जरिए लोगों में सकारात्मक परिवर्तन की मुहिम चलाई है, जिसमें लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला है। संस्थान की इस उपलब्धियों को देखते हुए भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा बहन को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। यह सम्मान संस्थान द्वारा योग के जरिए लोगों में जीवन के बदलाव के लिए दिया गया है। इस अवसर पर पुलिस ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा को भी ईश्वरीय संदेश दिया गया। इस विशाल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कई मंत्री, आला अफसरों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। ब्रह्म कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर में संस्थान के समाज सेवा प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, पंजाब संगरूर के पूर्व सांसद विजयेंद्र सिंगला, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय रायचूर के कुलपति डॉक्टर बीबी पाटिल, समाज सेवा प्रभाग के अध्यक्ष बीके अमीर चंद समेत रोटरी प्रांतपाल डॉक्टर एसपी सिंगला समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में आए समाज सेवियों ने कहा कि सही मायने में समाज सेवा वही है जिसमें स्वार्थ की भावना ना हो। राजयोग के ज्ञान से जीवन में उत्कृष्टता तो आती है, जिससे समाज की बेहतर सेवा की जा सकती है। ये जो सर्विस हो रहा है इधर, ये देख के तो मुझे बहुत हैरान हो गया हूँ। इसमें से कम 1% भी मैं अडॉप्ट किया तो, सभी लोग 1-1% अडॉप्ट किया तो हमारा देश बहुत आगे होता है। अगर मेहनत से अपने आप को सेवा के लिए समर्पित किया जाए तो वो भी एक ताकतवर तरीके से सेवा का रूप पूरे देश में लेती है। कार्यक्रम के दौरान आयोजित कई सत्रों में अतिथियों ने समाज सेवा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। एक ही संगठन के अंदर एक साथ रहकर जो शिक्षा मिलती जाए उसको अच्छी रीत मनन चिंतन करके अपने जीवन के कर्मों तक लाना। 3 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न सत्रों के साथ राजयोग ध्यान सत्रों का भी आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम। हंसते और गाते हैं खुशियां।
जिले में बढ़ती दुर्घटनाओं और गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों के तत्काल उपचार के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रोमा सेंटर में गहन चिकित्सा वार्ड का विस्तार किया गया है। इस विस्तार वार्ड का संस्था के मुख्य प्रशासक राजोगनी दादी जानकी, संयुक्त मुख्य प्रशासक राजोगनी दादी रतन मोहिनी, ग्लोबल हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी बी के निर्वैर, चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा तथा ट्रोमा सेंटर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सतीश गुप्ता ने फीता काटकर उद्घाटन किया। आठ शैया वाला यह वार्ड प्रथम तल पर स्थित है, जहां गंभीर रूप से बीमार आठ लोगों का इलाज अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित गहन चिकित्सा कक्ष में हो सकेगा। संस्था प्रमुख दादी जानकी ने कहा कि इससे लोगों की जिंदगी तो बचेगी, साथ ही दूसरों की दुआएं भी मिलेंगी। दवा, दुआ, दुआएं जो मिलती है ना, वो दवा का काम अच्छा कर देती है। ईश्वरी विश्वविद्यालय में कि हमारे जो बड़े हैं वो आकर के आशीर्वाद दें, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। तो दादी जी आ गए, जानकी दादी जी और रत्नमयी दादी जी, आपके प्रेजेंस से ये आईसीयू बिल्कुल इतना शक्तिशाली रहेगा कि इसमें जो भी कोई पेशेंट आएगा बिल्कुल हृष्ट पुष्ट होकर के जाएगा। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने इसकी सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। लुधियाना के विश्व शांति सदन में इजी लाइफ फॉर बिजी पीपल विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर बी के डॉक्टर मोहित गुप्ता, पूर्व सीएमओ डॉक्टर सुभाष भट्टा, सिविल लाइन सेवा केंद्र प्रभारी बी के राज, विश्व शांति सदन के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बी के सरस ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर मोहित गुप्ता ने कहा कि आज की बिजी लाइफ में स्वयं के लिए समय निकालना अति आवश्यक है, तभी हम हर क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हम अपनी लाइफ को रीफॉर्मेट नहीं कर सकते, लेकिन रीप्रोग्राम जरूर कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने नेगेटिव आपके लिए किया है, कल परसों जब वो व्यक्ति आपको मिले ना, उसे रहम और दया की दृष्टि से देखते हुए, उसको हाथ आगे करना, दोस्ती का हाथ आगे करना, आप देखना कितनी खुशी, कितनी शांति का अनुभव आपको अपने दिलों के अंदर। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपने अनुभवों को साझा किया तथा बताया कि उन्होंने स्वयं को बदलकर अपने परिवार तथा अपने कार्यक्षेत्र में लोगों के प्रति प्यार व सद्भाव रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर तेनु सतवाल, समराला के एसएमओ डॉक्टर अरुण कुमार हांडा, डिप्टी मेडिकल कमिश्नर डॉक्टर जसवीर सिंह समेत बड़ी संख्या में उपस्थित शहर के विशिष्ट लोगों ने राजयोग ध्यान का अभ्यास कर गहन शांति की अनुभूति की। कर्नाटक के सिंदगी सेवा केंद्र की रजत जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जल संसाधन और जिला प्रभारी मंत्री एसबी पाटिल, पूर्व मंत्री एमसी मनागुली, गुरु शांतेश्वर संस्थान मठ के स्वामी श्री चंद्रशेखर शिवाचार्य, विधायक रमेश भुसनूर, एमएलसी अरुण शाहपुर, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय पेलगाम, सबजोन प्रभारी बीके अंबिका, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पवित्रा समेत कई नामचीन लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि दूषित वातावरण से निकलकर सुंदर जीवन बनाने के लिए अध्यात्म के मार्ग को अपनाना होगा। वहीं बीके बाला साहब पाटिल ने 25 साल में हुई ईश्वरी सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने कहा कि आध्यात्मिकता हमें खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा देती है। वहीं बीके मृत्युंजय ने राजयोग द्वारा मन को एकाग्र करने पर बल दिया। इस अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकालकर लाखों लोगों को परमात्मा अवतरण का संदेश दिया गया। दिल्ली में लोधी रोड के सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में तनाव मुक्त जीवन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में सीसीआई के वरिष्ठ प्रबंधक मुकेश कौशिक, अपर महाप्रबंधक अशोक कोठारी समेत कई अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर लोधी रोड सेवा केंद्र के तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने कहा कि जब हम शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक व मानसिक दृष्टि से स्वस्थ बनेंगे तभी होलिस्टिक हेल्दी बन सकते हैं। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने बुद्धि योग द्वारा परमात्मा को याद करना ही वास्तविक योग बताया। शरीर के लिए आप अच्छा भोजन लेते हैं, जो भोजन बासी है वो आप नहीं खाते हैं, ठीक है? तो अब मेरे मन का भोजन कौन सा है? तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में हमने सीखा मन का भोजन है सकारात्मक चिंतन। बुद्धि योग मना ऐसा नहीं है, आपको ये जो योग करने के लिए कोई आपको मंत्र देंगे आप उसको मंत्र को जपते रहना है, मंत्र को जपना नहीं है, ये बुद्धि का कनेक्शन। अहमदाबाद के महादेव नगर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित लाइफ स्किल्स एजुकेशन रेसिडेंशियल कैंप का समापन हो गया। संस्था के युवा प्रभाग तथा युवा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ एनएसएस के यूथ कोऑर्डिनेटर कमल कुमार, नेहरू युवा केंद्र गांधीनगर के यूथ कोऑर्डिनेटर रजनीकांत सुथार, संस्था के युवा प्रभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बीके चंद्रिका तथा जोनल कोऑर्डिनेटर बीके कृति समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए उनसे श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करने की अपील की। 7 दिवसीय आयोजित शिविर के दौरान बच्चों ने मेदरा गांव में व्यसन मुक्ति एवं अंधश्रद्धा उन्मूलन विषय पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया। इन प्रस्तुतियों में बच्चों ने राजयोग के महत्व पर भी प्रकाश डालकर खुशनुमा जीवन जीने की प्रेरणा भी दी। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 से सेवा केंद्र पर अ लाइफ एम्पावरिंग यूथ कैंप का आयोजन किया गया। प्रेरणा विषय पर आधारित इस कैंप के दौरान अंबाला सिटी से मोटिवेशनल ट्रेनर बीके करण राणा ने राजयोग द्वारा आत्मिक बल को बढ़ाकर चुनौतियों का सामना करने की सलाह दी। एवरी मोमेंट एवरी डे ऑफ आवर लाइफ वी प्लान हाउ इट शुड बी बेटर देन द प्रीवियस वन। कल के दिन से आज का दिन और अच्छा कैसे हो, मैं और बड़ा कैसे हूँ, और संतुष्ट प्लान तो हमेशा संतुष्टता की करता है। इस कैंप के समापन सत्र में चंडीगढ़ के शिक्षा उपनिदेशक चंचल सिंह, बहलाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उत्तरा मुख्य रूप से उपस्थित हुईं। इस दौरान बीके उत्तरा ने आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण कर श्रेष्ठ विद्यार्थी बनने पर बल दिया। इस कैंप में बच्चों को कर्म का सिद्धांत, तनाव, क्रोध से बचने के साथ गीत, कविता, नृत्य, लेखन जैसी कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कर जीवन में श्रेष्ठ संस्कार धारण करने की प्रेरणा दी। हरियाणा के बहादुरगढ़ सेक्टर 2 सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और मातेश्वरी जगदम्बा की 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निरोग कुंज के निदेशक दीपक ने शारीरिक योग द्वारा तन को स्वस्थ रखने की विधि सिखाई। कार्यक्रम में बहादुरगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके विनीता ने मातेश्वरी जगदम्बा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने पर बल दिया। मम्मा जब चली हैं, इस ज्ञान में अपनी सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त की, वो अपने निश्चय, अपने ज्ञान और अपनी धारणाओं के बल बूते। पंजाब के फरीदकोट सेवा केंद्र पर स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए सहज राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डेंटिस्ट डॉक्टर रजनीश, तहसीलदार आत्मा सिंह, राष्ट्रीय सेवा संघ के 4 जिले के प्रमुख डॉक्टर दीपक गोयल, फरीदकोट सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता, कोट कपूरो सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट लोगों ने कहा कि आलस्य की प्रवृत्ति से कई तरह की बीमारियां आती हैं और शारीरिक व्यायाम व राजयोग तन व मन दोनों को स्फूर्ति व स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध होता है। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब सेवा केंद्र द्वारा बाबा निहाल सिंह बीएड कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए सहज राजयोग विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में कंज्यूमर फोरम डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन कर्नैल सिंह आही,
SDM राम सिंह, कोटकपूरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके संतोषी समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की और अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से राजयोग शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ रखता है। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। चंडीगढ़ सेक्टर 46 सी सेवा केंद्र द्वारा श्री सनातन धर्म मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए सहज राजयोग विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिम्नास्टिक में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित एवं खेल तथा युवा मामले की उपनिदेशिका सुनीता शर्मा, BSNL के वित्तीय सलाहकार डॉक्टर मनदीप प्रकाश, सेक्टर 15D सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी उपस्थित अतिथियों ने राजयोग द्वारा मन को सशक्त बनाने की सलाह दी, साथ ही अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से राजयोग द्वारा जीवन को सुखी व शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। परिवार में रहते हुए आप अंदर ही योगी हो जाओ, राजा हो जाओ। जोधपुर के RAC प्रथम बटालियन में समारोह का आयोजन किया गया। योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सिंह, राजयोग शिक्षिका बीके रोशनी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी अरविंद शर्मा, डिप्टी कमांडेंट रमेश उपस्थित हुए। कार्यक्रम में बीके शील ने मेडिटेशन कराकर राजयोग के लाभों से अवगत कराया तथा इसे दैनिक दिनचर्या में अपनाकर खुशनुमा जीवन जीने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जवान लाभान्वित हुए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि केवल एक दिन ही हमें योग दिवस के रूप में नहीं मनाना है, लेकिन हमको अपना जीवन ही योगी जीवन बनाना। केरल में पालक्काड के इंडोर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पालक्काड सेवा केंद्र और पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में शिवानंद आश्रम के स्वामी नित्यानंद सरस्वती, सन्यासी सभा के स्वामी प्रभाकर नंद, RSS के धर्म जागरण प्रमुख नंद कुमार, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जोसेफ पाउल, पालक्काड सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना समेत हजारों लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर बीके मीना ने राजयोग की विधि से अवगत कराते हुए प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करने की सलाह दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पंजाब के बठिंडा सेवा केंद्र ने गणपति गेस्ट हाउस में राजयोगा कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर जमीला ने बताया कि व्यायाम केवल तन को तंदुरुस्त रखता है, लेकिन राजयोग से मनुष्य अपने मन तथा तन दोनों को स्वस्थ बना सकता है। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्यों ने उपस्थित होकर कई तरह के व्यायामों का लाभ उठाया तथा राजयोग का अभ्यास किया। भुवनेश्वर के ट्रिडेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य एवं खुशी के लिए राजयोग विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में बीके दुर्गेश नंदिनी ने योग के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालते हुए राजयोग को भारत का सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ योग बताया। इस अवसर पर कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर JK जोशी, अध्यक्षा स्मृता रानी पानीग्रही समेत कॉलेज के प्रोफेसर व कर्मचारी उपस्थित थे। भोपाल के बैतूल सेवा केंद्र द्वारा योग दिवस के अवसर पर वन विभाग के परिसर में त्रिदिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैतूल सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, वन के मुख्य संरक्षक HU खान, संरक्षक MC सिंघल, DMO BS कुशवाहा, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल के निदेशक देवा समेत वन विभाग के कई कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में बीके मंजू ने राजयोग सीखने के लिए परमात्मा का सत्य परिचय और उनसे होने वाली प्राप्ति के बारे में जानकारी होना आवश्यक बताया। जयपुर के नगर निगम द्वारा पतंजलि योग पीठ और अन्य योग संस्थानों के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आदर्श नगर के भगत सिंह पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें राजा पार्क सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने सहभागिता की। कार्यक्रम में बीके पूनम ने कॉमेंट्री द्वारा योगाभ्यास कराया और अशांतिपूर्ण माहौल में शांति का अनुभव करने की युक्ति सिखाई।
इस अवसर पर महापौर निर्मल नाहटा, पार्षद निर्मला शर्मा समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बेंगलोर के चामराजपेट सेवा केंद्र द्वारा मक्कला कोटा पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन चामराजपेट के पार्षद जीवी गणेश, प्रसिद्ध लेखिका नागमणि राव, कुमारा पार्क सब जोन की उप निदेशिका बीके सरोजा समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने राजयोग से बुरे संस्कारों को समाप्त कर दैवी गुण धारण करने पर बल दिया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजयोग फॉर हेल्दी एंड हैप्पी सोसाइटी विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा तथा बीके जैनी ने राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला तथा जीवन को स्वस्थ व खुशनुमा बनाने के गुर सिखाए। इस दौरान सेवा केंद्र के सदस्यों ने उपस्थित होकर राजयोग का अभ्यास किया। ऐसे ही लामफेल में भारत सरकार के युवा तथा खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डीसी कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया, जहां राजयोग शिक्षिका बीके मेमिता ने राजयोग का अभ्यास कराकर आत्मा के आंतरिक शक्तियों का विकास करने की कला सिखाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। मध्य प्रदेश रतलाम के डोंगरी नगर सेवा केंद्र पर योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुंबई से आए बीके बलदेव आनंद, पतंजलि नशा मुक्ति केंद्र के जिलाध्यक्ष महेश शर्मा, पतंजलि योग संस्था के अध्यक्ष आशा दुबे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने सकारात्मक विचार द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने पर बल दिया, साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में सभी ने कैंडल जलाकर विश्व में शांति की कामना की। बिलासपुर के भारतीय स्टेट बैंक स्वरोजगार संस्थान में कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रशिक्षण सत्र का समापन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसमें टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने योग एवं समय प्रबंधन विषय पर चर्चा की और सभी को शारीरिक व मानसिक योगाभ्यास भी कराया। इस अवसर पर SBI ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान के निदेशक गोविंद लाल राठी एवं प्रशिक्षक गण उपस्थित थे। वडोदरा के करेरी पार्क सेवा केंद्र द्वारा वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस में लेटेस्ट मेडिटेट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आधारित इस कार्यक्रम में डॉक्टर बीके पावलोमी ने राजयोग अभ्यास कराकर सभी को संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने की विधि सिखाई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा सेवा केंद्र द्वारा साउथ सेंट्रल रेलवे के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ट्रेनिंग सेंटर में राजयोग द्वारा तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मजा ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए राजयोग करने की सलाह दी। कोटा के लाला लाजपत राय भवन में राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोटा सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला समेत संस्था के सदस्यों ने राजयोग का अभ्यास कर विश्व में शांति की कामना की। ओडिशा के झारसुगुड़ा सेवा केंद्र द्वारा OMP के सेकंड बटालियन में राजयोग का जीवन में महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर झारसुगुड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अश्विनी, बेलपहाड़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिखा ने राजयोग की महत्ता पर प्रकाश डाला और नकारात्मक विचारों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सेकंड बटालियन के कमांडर मृत्युंजय क्रमाकर समेत बड़ी संख्या में जवान मौजूद थे। मुंबई के कोलाबा सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में फायर ब्रिगेड, स्कूल, पुलिस स्टेशन समेत कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योगा ट्रेनर बीके पीटर ने योग का अभ्यास कराया और सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोहिनी ने साप्ताहिक राजयोग शिविर की जानकारी दी। ज
जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके श्वेता ने कहा कि स्व का ज्ञान होने से मनुष्य हर समस्या का समाधान कर सकता है। गुजरात के किल्ला पारदी सेवा केंद्र पर योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ ने कहा कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है और राजयोग के माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके पारुल ने राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों को जागृत करने की सलाह दी। नेपाल के पोखरा सेवा केंद्र पर योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन न्यायमूर्ति डम्बर बहादुर शाही, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कहा कि समाज में फैल रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए योग की अति आवश्यकता है। इस अवसर पर संस्था की 16 शाखाओं से सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और सामूहिक ध्यान साधना कर योग दिवस को सार्थक बनाया। पीस न्यूज की खबरों की अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.peace.gollywoodstudio.org। गॉलीवुड स्टूडियो के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.gollywoodstudio.org। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।